हेलो गाइस, मैं अफजल आपका भाई आपके साथ में है। वेरी गुड इवनिंग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके दुआ से मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो चलिए, आज फूड ब्लॉग होने वाले हैं और काको की जानते हैं आप। जहानाबाद की मशहूर लिट्टी चोखा दुकान है जो काको में है और बहुत ही अच्छी है। अगर देखा जाए तो ये NH 110 है जो जहानाबाद से नालंदा की ओर जोड़ती है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे काको में ब्लॉक के पास लिट्टी चोखा बिकता है। तो चलिए आज उसको एक्सप्लोर करते हैं। अनएक्सप्लोर चीज को एक्सप्लोर करने में मजा ही कुछ और है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अगर भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो फटाफट फॉलो करते हैं। को आ रही है जहानाबाद आ रहे हैं, अगर इस दुकान में नहीं आए लिट्टी खाने के लिए तो आप कुछ भी नहीं खाएं। तो जब जहानाबाद आए या आप बिहार शरीफ से जहानाबाद की ओर बढ़े या जहानाबाद से बिहार शरीफ की ओर बढ़े तो आप ये काउंटर पे जरूर आए। और बहुत ही अच्छा लिट्टी हो या काला जामुन हो, दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा। तो चलिए वीडियो को और आगे की ओर करते हैं। तो यहाँ पे लिट्टी लगाई जा रही है और देख सकते हैं कितने बल्क में यहाँ पे लिट्टी लगाई जाती है और ऐसे ही कंटिन्यू सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ऐसे ही आपको भीड़ मिलते रहेगा। माँ विष्णु लिट्टी भंडार और यही दुकान है जो बहुत ही प्रसिद्ध है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और लिट्टी चोखा बिहार का फेवरेट डिश है और सब लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे गुलाब जामुन भी, कितने बल्क में गुलाब जामुन निकाली जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं खोवा भी है, यहाँ पे गुलाब जामुन है। देख सकते हैं किस तरीके से दोनों चीज यहाँ पे रखा हुआ और साथ साथ मिठाई भी आपको मिल जाता और कितने बल्क में यहाँ पे लिट्टी को सेका जाता वो भी आप देख सकते हैं कितने बल्क में यहाँ पे लिट्टी को सेका जा रहा। हमारे साथ है लिट्टी भंडार के ऑनर और राजकुमार जी इनका नाम है। तो चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या इनका कहना है। सर, ये आउटलेट आपका है जो कब से आप संचालित किए हुए हैं ये लिट्टी भंडार को? 1992 से। तो देखा जाए तो लोग यहाँ पे किस तरीके से आते हैं और क्या यहाँ पर का रेट है और टेस्ट कैसा है? टेस्ट में इसमें जमाइन है, मंगरेला है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, धनिया पत्ता है, सरसों तेल है और लवन भाजकर चूर्ण दे जो आपका अपना मसाला अपना मसाला। तो सर यहाँ पर रेट कैसा है? रेट है 10 रूपए पीस। और देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक ये आपका लिट्टी फेमस है? अभी तो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं सर। जैसे मैं गया है, जहानाबाद है, पटना है, बिहार शरीफ है, इतने लोग के लिए आ रहे हैं जो इधर से गुजरते हैं दो लिट्टी खाएं के जाते हैं। जाए तो कितने बल्क में यहाँ पर लिट्टी को सेका जा रहा है। और राजकुमार जी के ये बच्चे हैं तो इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, दिन भर में कितने लिट्टी आप सेक लेते हैं? दिन भर में 1100-1200 लिट्टी सेक लेते हैं। और गुलाब जामुन का क्या आपका है? गुलाब जामुन है सर 7-10 रूपए, मलाई डेक 15 रूपए। देखा जाए तो चोखा ये और ये चोखा भी बहुत ही बल्क में है और यहाँ पर देख सकते हैं हरी मिर्च और प्याज जो है ये भी बल्क में रखा गया कि जिसको जितने चाहिए वो तमाम चीज ले सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने अच्छे से। चलिए कस्टमर का भी थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। भैया, आप यहाँ पे लिट्टी खाने आए तो टेस्ट कैसा और रेट यहाँ पर का क्या है? इस लिट्टी का दम लाजवाब है, इसका कोई जोड़ नहीं है। हम कोरोना से चल के आए, रेट ऐसा है कि किसी का भी पेट भर जाएगा सस्ता में। भैया, आपको टेस्ट कैसा लग रहा है यहाँ पे? देखा जाए तो यहाँ पे गुलाब जामुन और मलाई मार के है तो वही भी आपको खिला के और आगे की ओर लेके चलेंगे। देखा जाए तो ये ड्राम में पूरा घी है और यहाँ भी घी है, बल्क में घी भी डाला जा रहा है। और देखे उस तरफ भी आप देखे गुलाब जामुन और इस तरफ भी, बट यहाँ पे डिमांड ज्यादा होता है गुलाब जामुन का। देखा जाए तो यहाँ पे तमाम कस्टमर बैठे हुए और यहाँ पर का लिट्टी चोखा और गुलाब जामुन जो मलाई मार के वो भी टेस्ट कर रहे हैं और देख सकते किस तरीके से लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। देखा जाए तो मेरा लिट्टी लग चुका है कि घी हम खाते नहीं तो सादा ही लिट्टी लिए हैं और हरी मिर्च और प्याज दोनों मिल चुका है। यहाँ पे लिट्टी खाने आए हैं तो यहाँ का टेस्ट कैसा है? बढ़िया है। तो देखा जाए तो आप कहाँ से आ रहे हैं? काको ही से। लिट्टी को देखा जाए तो थोड़े तो बहुत ही सॉफ्ट लिट्टी है यहाँ पे और आगे की ओर भी लेके चलते हैं और इसका टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू करते हैं कि कैसा यहाँ पर का टेस्ट है। चोखा भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। टेस्ट की बात किया जाए तो जहानाबाद में काको ही ब्लॉक में है जो यहाँ पर लिट्टी मिल सकता है, इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा टेस्ट है कि इसका जवाब नहीं। और रेट की जहाँ तक करें तो 20 रूपये में जो भी आपको लिट्टी अवेलेबल मिल जाता है, एक बार जरूर आए विजिट करें यहाँ पे और बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। यहाँ पर का
लिट्टी खाने में। तो चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जो प्याज का तड़का लग रहा है ना यहाँ पे, तो और अच्छा लग रहा है। देखा जाए तो हर बाइक एक ही जैसा है, टेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा और बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे फील किया गया है। भैया यहाँ पर का टेस्ट कैसा है और कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए? बहुत बढ़िया टेस्ट है, पिछला 5 साल से खा रहे हैं। पिछला 5 साल से खा रहे हैं। और टेस्ट में कोई चेंजिंग आया है इतने दिनों में? कुछ नहीं, जो पहले था वो भी है। देखा जाए तो हम लोग का गुलाब जामुन आ गया और यहाँ पे मलाई मार के, और देखते हैं इसका भी टेस्ट कैसा है। तो चलिए आगे की ओर करते हैं वीडियो को। गुलाब जामुन का टेस्ट कर लेते जो मलाई मार के, और देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। ये पहला वाइट ले रहे हैं और पहला वाइट कैसा टेस्ट होता है वो भी आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है यहाँ पर, और देखा जाए तो गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट है और मलाई का जो फील हो रहा है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वीडियो कंटिन्यू और आगे की ओर करते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहानाबाद में जो माना जाए तो ये डिमांडेबल वीडियो था, इसीलिए हम लोग आए कापो में। और वैष्णवी माँ वैष्णवी लिट्टी भंडार का आज हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए, तो यहाँ का टेस्ट हर चीज में अच्छा है। आप एक बार जरूर आए, आपको नहीं लगेगा कि पैसा वेस्टेज दिया। पैसा के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा सामान यहाँ पर मिल जाता है आपको। और जहां तक टेस्ट की बात करें तो हम रेटिंग की बात किया जाए तो 10 out of 10 हम देंगे रेटिंग, और बहुत ही अच्छा चम्मच। अगर लिट्टी खाने आए और गुलाब जामुन न खाए तो लिट्टी आपका अधूरा हो गया है। और साथ ही साथ गुलाब जामुन जरूर मलाई वाला टेस्ट कर ले, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका मीठा खाने का मन नहीं है, आप एक भी ले सकते हो और बहुत इंजॉय लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दो, वाले जाने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। आपका भाई मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।